हाँ जी, देख जैसे कि आपको पता है मेरी बहन आई हुई है एक दिन एक रात के लिए रहने मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ क्वेश्चंस आंसर हो जाएं फैमिली के अपने। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपनी बहन से। सोनू, आपकी शादी को कितने साल हो गए? ये 25 साल आपने कैसे बिताए? पता ही नहीं चला हंसते खेलते कैसे बीत गए। 20 आपका बेटा एक 20 साल का हो गया, कैसे आपको कुछ महसूस होता है? साल का नहीं हो गया वो, 24 का हो गया। वो तेरी 24 साल का हो गया, तो पता लग रहा आपको कि बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं। हाँ, एक बात बताओ, आप लड़कियों को ये मार्केट घूमना क्यों इतना अच्छा लगता है? क्योंकि हम घर के काम कर करके या घर में आप लोगों के लिए के साथ टाइम स्पेंड कर करके हमें लगता है थोड़ा सा टाइम खुद को भी देना चाहिए, जो हमें लगता है मार्केट से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो मार्केट में जाके आपको, मतलब आप ये कहना चाहते हैं स्ट्रेस आपका कम हो जाता है। एग्जैक्टली। आप बताइए। स्ट्रेस भी कम हो जाता है, एंजॉय करते हैं, फिलहाल हाँ, शॉपिंग भी हो जाती है, अपनी मनपसंद चीजें भी खरीद लेते हैं, खाते पीते हैं, और गॉसिप करते हैं। अच्छा, और तो लेडीज के साथ शॉपिंग करने का ये फायदा होता है कि लेडीज को लेडीज की चॉइस पता होती है, तो एक दूसरे से ऑप्शन हो जाती है कि दीदी अच्छा लग रहा है मैं लूँ, या कुछ नहीं करना और बताइए मैं लूँ ये अच्छा लगेगा, यही हाँ दीदी बहुत सुंदर लगेगा ले लो, मतलब एक ऑप्शन हो जाती है। ये नहीं होता कि जेंट्स के साथ हस्बैंड के साथ जा रहे हो तो एक ही शॉप पर जाओ ले लो। हम लोग एक एक सामान के लिए 5 शॉप घूमते हैं। आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी है? बहुत अच्छी, टच वुड, लाइक रियल सिस्टर्स। टच वुड। जैसे जैसे बहुत अच्छी है दीदी, मुझे बहुत प्यार करती है, मैं दीदी को बहुत प्यार करती हूँ, मोर देन सिस्टर्स फॉर मी। आप इनके बारे में कुछ बताओ। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा, मतलब लोग कहते हैं कि मायका सिर्फ माँ से होता है और मायका माँ बाप होते हैं तब होता है, पर मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा मेरा मायका मेरे भाई भाभी से, और स्पेशली भाभी से है, क्योंकि भाई तो सुबह जाता है ऑफिस, रात को आता है, भाई मतलब भाइयों के साथ ठीक रहता है, पर अगर आपकी भाभी के साथ यूनिंग अच्छी है, एक बॉन्डिंग स्ट्रांग है आपकी, अब जैसे मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट रहने आ जाती हूँ, मतलब इसे क्यों आती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी कंफर्टेबल अपना घर की तरह फील करती हूँ, और वो मैं क्यों फील करती हूँ, क्योंकि मुझे कनिका फील करवाती है, ये मुझे 10 बार बुलाएगी दीदी आ जाओ दीदी आ जाओ, इतना प्यार करती है, तो इसलिए मेरे को मतलब मेरा मायका मेरे भाई भाभी से है। हाँ, और दीदी भी हम लोगों को इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, किसी और रिश्ते की कमी महसूस नहीं होने देती मुझे। कोई भी बात होती है, कोई भी सुख दुख वाली कोई भी बात होती है, मैं सबसे पहले दीदी से करती हूँ। ठीक है, तो आप एक दूसरे को मतलब बहनों की तरह मानते हैं। हाँ, अच्छा सोनू, आपको आपकी लाइफ में पति ने कितनी बार मारा है? आपको लगता है मैं अनेजा खानदान की लड़की मार डालने वाली हो सकती? अच्छा, अपनी एजुकेशन बताइए पहले सोनू आप। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएशन। कहाँ से? अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। यहाँ पर आपका इंटरव्यू चल रहा, पीछे होके बैठो। आप अपनी आपने कितने स्कूल चेंज करे हैं पहले आप ये बताइए। आप अपने आप सबसे पहले एलन डे, पहले तुम अपनी नानी मम्मी बन गई है पहले। आप मेरी बात ना करो। एक सेकंड, एक मिनट, क्यों अभी इतनी सेट होके बैठी थी, इतनी मैनर से बैठी थी, एकदम तुझे क्या हुआ? एक सेकंड पीछे होके बैठी आप प्लीज, हम इतनी दूर से आए हैं। फ्रेम में तू भी आ रही है, हंस मत दादा। रॉकवेल स्कूल था तुम्हारा सेकंड? एक सेकंड, आपको एकदम दोरा क्या पड़ा? पीछे होके बैठो, आपकी अपनी एजुकेशन बताओ। सुब्रमण्यम की मम्मी ने आपकी एडमिशन कराई थी रॉकवेल स्कूल में, जिससे आप निकाल दिए गए। इंटरव्यू मैं आपका ले रहा हूँ, पहले मैं आपको बताऊ। उसके बाद आप गए चोगले स्कूल में, आपने कितने स्कूल बदले और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है जो आप इतना ये बनाते हो व्लॉग? तू जो हंस रही है, तू बता अपनी एजुकेशन। सेम सेम क्या? ग्रेजुएट। ये दोनों ग्रेजुएट है। जो तूने यस बोला ना सोनू, वहीं से पता लग गया तू कितनी ग्रेजुएट है। सर्टिफिकेट्स ले जाऊंगी। अच्छा, अब तू ये बता, तूने 12वीं कहाँ से करी? 12वीं मैंने सलमान पब्लिक से।
कितने नंबरों से? मेरे आए थे 88%। पूरी नानी मम्मी कितना कॉन्फिडेंस, 88। ठीक है, तू बता भाई अपनी क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएशन। ठीक है, शादी तेरे कौन से साल में हुई? मेरी हुई 96 में। और आज क्या हो गया है? आज आपकी उम्र कितनी है? मेरी 46। 46, ओके। तो तू मेरे से एक साल बड़ी है। यस। एक बात बता, मैं तेरा इंटरव्यू ले रहा हूँ, तू मेरा ही लेना शुरू कर गई? क्योंकि जब से आई हुई है कैमरा जरा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। वो छोड़ेगा भी नहीं। अच्छा आप ये बताओ, आप दोनों लाइफ में बहुत जगह इकट्ठी गई हो, फेमस भी हुई हो कई जगह, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। हमने लाइफ एक साथ बहुत अच्छी जी है। कभी दोनों पुलिस स्टेशन भी गए हो? नहीं, पुलिस स्टेशन क्या करने जाएंगे? कभी जेल गई हो दोनों? कभी ऐसा मौका लगा जाने का? दो चार दिन आने जाने लगा रहता है। ठीक है, आपको तो करेगा तूने कि तू मेरे पीछे किस लिए पड़ गई? कहती है निकाल दिया गया आपको कहीं जगह। निकाल कहाँ गया? अच्छा सोनू, आपने नया घर लिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कितनी मेहनतों से घर बना आपका? तो भाई तो समझ सकता है कि कितनी मेहनत लगती है, कितना एफर्ट लगता है, कितना पैसा लगता है। तो ये बात तो माननी पड़ेगी। तो आज आप खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ अपने घर से। जो पहले भी खुश थी। मैं ये मानती हूँ घर दीवारों से नहीं होता, घर इंसानों से होता है। और ये जो आपने पुराना घर छोड़ा, इसकी याद आती है? पहले बहुत आती थी, अब धीरे धीरे सेटल हो गई।